व्यास बारी भोपाल एमपी से। मैंने एक कॉम्पैक्ट ईसीएम टेस्टर बनाया है, आइए मैं उसका डेमो देता हूँ आपको। यह है वो कॉम्पैक्ट ईसीएम टेस्टर जो एक सूटकेस में बना है। ये इस पे दो ईसीएम रखे हैं। आइए मैं आपके इसके फंक्शन बताऊं। पहले देखिए इसमें, ये पहले तो बैटरी की लाइट है, फिर चेक लाइट है, फिर ताले की लाइट है, फ्यूल की लाइट है, एसी की लाइट है, फैन की लाइट है, और ये चारों इंजेक्टर की लाइट है। इसके बाद इसके अंदर ये पावर कनेक्ट केबल है, यहाँ पे मैं 12 वोल्ट पावर देता हूँ। इसके अंदर आप चाहें तो बैटरी की पावर दे दें, चाहें तो आप एडाप्टर से बिजली की पावर दे दें, जो मैंने अभी दी है बिजली की पावर। और गाड़ी के अंदर जैसे फर्स्ट इग्निशन और सेकंड इग्निशन होता है, इसमें मैंने फर्स्ट इग्निशन ये बनाया है और सेकंड इग्निशन ये बनाया है। ये रिलीज करेंगे अपन तो ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद अपना ये फैन की लाइट है, ये पेट्रोल की लाइट है, ये 16 पिन OBD कनेक्टर है जिसके अंदर लगा के अपन की प्रोग्रामिंग स्कैनर लगा के की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ECM स्कैन कर सकते हैं। और ये ECM कनेक्टर है, जहाँ पे ये कनेक्ट केबल होती है, ECM कनेक्ट होता है यहाँ पे ये। और ये मैंने एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेल को बना के लगाया है। इसका स्विच अपन इधर कर देंगे तो ये वाला डेल को काम करने लगेगा इसमें। और ये स्विच इसमें लगा है, ये स्विच इसको अगर इधर कर देंगे तो ये वाला डेल को काम करने लगेगा बाहर का। और अगर अपन को किसी का बाहर का डेल को चेक करना है तो वो डेल को भी चेक हो जाएगा इसमें। यहाँ पे उसका सॉकेट लगा के डेल को का, अपन डेल को हाथ से घुमाएंगे तो ये वाली लाइट ब्लिंक करने लगेगी। और ये कॉइल का करंट है इसमें। और यहाँ पे मैंने एक रिले टेस्टर लगाया है, ये सेपरेट रिले टेस्टर है अलग से, ये खाली रिले चेक करने के लिए किसी का रिले ख़राब है या सही है। ये आप देखिए, निकाला मैंने तो लाइट चली गई इसकी, और ये लगाऊंगा इसको तो ये लाइट आ जाएगी इसकी। तो ये खाली रिले टेस्टिंग के लिए रिले टेस्टर है। और ये एक स्विच है, इसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊँगा। और इसके अंदर एक ये मल्टीमीटर लगा हुआ है, इस मल्टीमीटर से आपको ECM टेस्ट करना हो, कोई ECM में प्रॉब्लम हो चेक करना हो तो ये उसके यूज़ के लिए है। आपको इसके अंदर एक नॉन इमोबिलाइजर वाला अल्टो का ECM लगा के चेक कराऊंगा। ये मैंने इसके सॉकेट कनेक्ट करे इसमें। और ये ECM यहाँ पे मैंने इस पे बॉक्स पे कनेक्ट करा। ये फर्स्ट इग्निशन दिया, ये सेकंड इग्निशन दिया, ये देखिए अब ये चेक लाइट आ गई, ये पेट्रोल की लाइट आके चली गई। अभी मैंने डेल को ऑपरेट कराया, ये पेट्रोल की लाइट आ गई, ये इंजेक्टर की लाइट आ गई, और ये कॉइल पे करंट आ गया। कॉइल का करंट आपको जितनी तेज़ करना हो और उतनी तेज़ करके आप चेक कर सकते हैं, जितनी स्लो करना है ये उतनी स्लो करके चेक कर सकते हैं आप इसको। और ये जो स्विच मैंने आपको बताया था, ये स्विच इसलिए लगाया कि अगर किसी ECM से रिले की सप्लाई नहीं आ रही है तो यहाँ पे जैसे गाड़ी के अंदर फंक्शन ऑपरेट नहीं होते वैसे यहाँ पे ये बंद कर देंगे तो वैसे ये ऑपरेट नहीं हो रहा है, अभी रिले की सप्लाई नहीं आ रही। तो इसमें मैंने बॉक्स में एक अलग से रिले की सप्लाई बनाई है, जो स्विच को इधर कर देंगे तो वहाँ से रिले की सप्लाई मिलने लगेगी और ये ECM ऑपरेट हो, ये बॉक्स ऑपरेट होने लगेगा। तो आप ECM का फॉल्ट दूर कर सकते हैं उसका, वो से चेक करके। और ये मैंने वापस इसको इधर करा तो ये ECM का रिले ऑपरेट हो गया। ये अब इसी तरीके से मैं आपको इमोबिलाइजर वाला ECM चेक कर, ये है इमोबिलाइजर वाला ECM। सॉकेट एक ही काम आएगा इसमें, सिर्फ एक सॉकेट इसमें चेंज करना है खाली। ये मैंने इमोबिलाइजर वाले में लगाया था, ये वाला नॉन इमोबिलाइजर में लगाया था, और ये वाला इमोबिलाइजर में लगाऊंगा मैं। बाकी के दो सॉकेट ये सेम वही के वही रहेंगे। ये एक सॉकेट कनेक्ट करा मैंने, ये दूसरा करा, इन दोनों में से एक सॉकेट ये कनेक्ट करा मैंने, और ये ECM कनेक्ट करा यहाँ पे। ये मैंने इसमें इमोबिलाइजर वाला ECM लगा दिया, ये फर्स्ट इग्निशन दिया, ये बैटरी की लाइट आ गई, ये सेकंड इग्निशन दिया मैंने, देखिए अभी ताले की लाइट ब्लिंक करने लगी। ताले की लाइट ब्लिंक इसलिए कर रही है कि अभी मैंने इसमें इमोबिलाइजर नहीं लगाया, ये इमोबिलाइजर मैंने इसमें लगाया और ये इसके अंदर की डाली मैंने। ये सेकेंड इग्निशन मैंने बंद करा और बंद करके ये सेकेंड इग्निशन दोबारा खोला तो ये देखिए आप ताले की लाइट उग गई। अब मैं आपको ECM का करंट चेक कराता हूँ इसका। ये पेट्रोल की लाइट आई,
या इंजेक्टर ऑपरेट हो गया या कॉइल का करंट आ गया। तो ये हो गया इसमें इमोबिलाइजर वाला अल्टो का ईसीएम चेक। ऐसे ही इसी के अंदर, ऐसे ही इस यूनिट के अंदर यहाँ से सॉकेट निकाल के यहाँ पे मारुति ओमनी वैन का इमोबिलाइजर वाला, नॉन इमोबिलाइजर वाला, वेगन आर का इमोबिलाइजर वाला, नॉन इमोबिलाइजर वाला ईसीएम, कार का इमोबिलाइजर वाला, नॉन इमोबिलाइजर वाला ईसीएम, ये सारे ईसीएम इस पे इस जगह पे लग के चेक हो जाएंगे।